सो हे गाइस सर, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, लॉजिक एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह होनी चाहिए, बट आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पोकेमॉन कंपनी वाले कितना लॉजिक को इग्नोर करते हैं। और सच में पोकेमॉन एनिमे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कई सारे लॉजिकल मूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 और लॉजिकल पोकेमॉन मूवमेंट्स दिखाने वाला हूं। मतलब कि ऐसे मूवमेंट जहां पे पोकेमॉन एनिमे ने लॉजिक को इग्नोर ही कर दिया या फिर लॉजिक की इज्जत ही नहीं रखी। तो हां, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, शुरू से लेकर एंड तक देख लेना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's get started. नंबर वन, तो यूनोवर्जन के एक एपिसोड में ऐश एलिशा के साथ बैटल करने जा रहा होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप के जिम लीडर है। अब वैसे तो ऐश किसी भी जिम के लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनाता, उसके दिमाग में खुद ही स्ट्रैटेजी आ जाती है, बट इसके लिए उसने काफी स्ट्रैटेजी बनाई थी पूरी रात भर जाग के। बट जब वो अगले दिन जिम में जाता तो क्या आपको पता उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? लिटरली वो एक लौता पालपिटोड लेके आया था उस पूरे जिम के लिए। और तो पालपिटोड एक भी पोकेमॉन को नहीं हरा पाया, हालांकि वो ग्राउंड टाइप भी था, बट एक भी पोकेमॉन को नहीं हरा पाया। एंड ऐश फिर से जाके अपने और भी पोकेमॉन्स लेके आया, मतलब लिटरली सिर्फ वो एक ही पोकेमॉन लेके आया था एंड उसी के भरोसे आया था। मतलब ऐश ने पूरी रात बैठकर यही स्ट्रेटेजी बनाई थी। और नंबर टू, तो अगर आपको पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि म्यूटू के सामने छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को निकालोगे एंड उससे बैटल करोगे। बट पोकेमॉन की मूवी 1 में हमारे ऐश भाई साहब खुद ही लड़ने चले जाते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से यानी कि म्यूटू से, एंड उसको पंच करने की कोशिश करते हैं। मतलब लिटरली वो मजाक है। नंबर 3, अब रियल वर्ल्ड में अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या फिर आप किसी आग में जल जाते हो तो जाहिर सी बात है आप घायल हो गए या फिर मर जाओ। बट हमारे आज भाई साहब के लिए तो ये सब कॉमन बात हो गई है। कभी वो चार्जर्ड से फ्लेम थ्रोअर खाता है, कभी वो पिकाचो से थंडर शॉक खाता है, बट उसको एक खरोच तक नहीं आती है। और ये तो खैर चलो हम लोग मान भी लेते हैं, बट क्या आपको पता है ऐश 6 से भी ज्यादा बार पोकेमॉन एनिमे में मर चुका है, बट वो मर के वापस आ जाता है। मतलब कि ऐश के लिए मरना भी कॉमन हो चुका है। और नंबर 4, तो आपको टेटन लिजा तो याद हो गए, जो कि यार हुएनरिजन के जिम लीडर है एंड उनके साथ ऐश बैटल करता है। तो जब वो बैटल करने जाता है वो अपने स्वेलो एंड पिकाचो को लेकर जाता है, जबकि उसके पास इसे कहीं ज्यादा गुना बेटर ऑप्शन थे जैसे कि ग्रोवाइल एंड कॉर्फिश, जो कि यार दोनों रॉक टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे। बट फिर भी यार हमारे ऐश कैचम को तो पिकाचू एंड स्वेलो को ही लेके जा रहा है, जो कि उतने भी इफेक्टिव नहीं है सामने वाले पोकेमॉन पे। और नंबर 5, तो अगर आप टेटन लिजा वीडियो में आ ही चुके हैं तो आप इसके जिम बैटल के बारे में भी बात कर लेते हैं। मतलब इस बैटल के शुरुआत से लेकर इस बैटल की एंड तक सब कुछ मैसअप था। और इसी बैटल के एक सीन में ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट करने बोलता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक ट्रेनर ने अपने पोकेमॉन को ऑर्डर दिया है तो सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर अटैक करेगा, बट सच में यार ऐश का पिकाचू सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर अटैक करने के बजाय बादलों में थंडर बोल्ट मार देता है। मतलब सच में यार इतना बुरा एम कैसे हो सकता है किसी का। नंबर 6, तो इसी बैटल में जब ऐश का पिकाचू क्लाउड में मार देता है यानी कि बादलों में थंडर बोल्ट मार देता है तो पता नहीं कहां से जादू से वो थंडर बोल्ट वापस से नीचे आ जाता है एंड स्वेलो एंड पिकाचू के ऊपर लग जाता है। अब ये तो ऑलरेडी मेरे दिमाग के बाहर था, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? कभी पिकाचू ऊपर थंडर बोल्ट मार रहा है, कभी बादल वापस उसको वापस कर रहा है, एंड उसके बाद एक और चीज होती है। नंबर 7, तो आपको पोकेमॉन ट्रेडिंग के बारे में पता होगा, मतलब कि एक बहुत बड़ी मशीन होती है एंड जो दोनों ट्रेनर्स पोकेमॉन को ट्रेड करना चाहते हैं अलग अलग साइड पे अपने पोकेमॉन्स को रखते हैं एंड देन वो ट्रेड हो जाते हैं। अब इसमें लॉजिकल थिंग ये है कि आखिर ये मशीन एग्जिस्ट ही क्यों करती है? मतलब सिंपली यार एक ट्रेनर अपने पोकेबॉल्स को अपने हाथ से स्वैप कर सकते हैं, मतलब कि बदल सकते हैं, ये मशीन की हेल्प लेने की क्या ज़रूरत है? नंबर 8, तो यूनोवर्जन के बारे में आपको पता होगा कि यूनोवर्जन में ऐश को कितना ज़्यादा इमेच्योर दिखाया गया था एंड उसका सारा एक्सपीरियंस चला गया था जो कि उसने पहले से कलेक्ट किया था। तो कुछ इसी तरह यूनोवर्जन के स्टार्टिंग एपिसोड में ऐश किसी तरह से भीग जाता है, मतलब कि उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। अब कोई नॉर्मल बंदा होता तो वो घर पे जाता या फिर अपने कपड़े को चेंज कर लेता, बट हमारे ऐश का तो स्वैग ही अलग है। मतलब कि पूरा उसने चलते फिरते सड़क के ऊपर अपने कपड़े उतार दिए एंड कैंप फायर जला के उनको सुखाने लगा। वेल डन। नंबर 9, तो पोकेमॉन एनिमे के स्टार्टिंग से हमें लेजेंडरी पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता था, मतलब ऐश इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के भी उनको नहीं पकड़ पाता था, भले वो पूछता भी नहीं था बट पकड़ भी नहीं पाता था। बट पता नहीं क्यों यार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड यानी कि गला रीजन में यार लेजेंडरी पोकेमॉन्स को एकदम खिलौने की तरह दिखाया जा रहा है। नंबर 10, तो आप लोग क्यूबोन के बारे में जानते होंगे, इसके पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि अपने डैड मदर का स्कल पहनता है, मतलब कि अपने मरी हुई माँ का स्कल पहनता है। बट ये बात तभी लॉजिकल लगती है जब पोकेमॉन ओरिजिन में हमें क्यूबोन दिखाया गया था वो भी अपने अलाइव मदर के साथ, मतलब कि जिंदा मदर के साथ, एंड उसके ऊपर एक स्कल भी था। नंबर 11,
नंबर 12, तो यार टीम रॉकेट पोकेमोन एनिमे के अंदर एक मेन रोल प्ले करती है, मतलब हर एक एपिसोड उनके बिना अधूरा होता, वो हर एक एपिसोड में अपियर होते हैं एंड हर बार वो उड़ के चले जाते हैं, मतलब कि कोई पोकेमोन उनके ऊपर अटैक करता है एंड धमाका होता है एंड वो लोग उड़ जाते हैं। बट क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि वो उड़ के आखिर कहाँ जाते हैं, एंड अगर वो इतना ऊपर से गिरते ही हैं तो उनको क्या फ्रैक्चर तक नहीं आता या फिर वो मर भी नहीं जाते। नंबर 13, तो स्पॉइंग पोकेमोन के पोकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि अगर ये एक बार जंप करना बंद कर दे, मतलब कि इसकी टेल होती है जो कि एक स्प्रिंग की तरह है, तो ये कंटिन्यूसली उससे जंप करता रहता है, तो अगर एक बार ये बाउंस करना या फिर जंप करना बंद कर दे तो इसकी डेथ हो जाएगी। बट लिटरल यार पोकेमोन एनिमे के एक एपिसोड में कुछ स्पॉइंग यार एकदम मस्त आराम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सो रहे हैं, और ये ऐसा सिर्फ एक लौता सीन नहीं, हमें पोकेमोन एनिमे के अंदर काफी बार ऐसा देखने को मिला है कि स्पॉइंग जंप नहीं कर रहा बट फिर भी वो मरा नहीं है। नंबर 14, तो पोकेमोन की मूवी म्यूटू स्ट्राइक बैक के अंदर हमें कुछ पोकेमोन्स देखने को मिले थे, यानी कि निडोकिन एंड रायहोन देखने को मिले थे जो कि काफी छोटे थे, यानी कि एक बेबी के तरह थे, और इसका बिल्कुल अपोजिट हमें तब देखने को मिलता है जब ऐश ट्रिको को पकड़ता है, तो ट्रिको के ग्रुप में एक ट्रिको होता है जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है या फिर हमका ओल्ड होता है। अब पोकेमोन के हिसाब से तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बट हमें पोकेमोन एनिमे के अंदर ये देखने को मिला था। नंबर 15, तो आपको पता होगा कि 10 इयर्स को होने के बाद एक लड़के को पोकेमोन जर्नी पे भेज दिया जाता है, मतलब कि वो पोकेमोन जर्नी पे निकलने के लिए एलिजिबल होता है एंड उसके पेरेंट्स भी उसको भेज देते हैं काफी इजीली, और ऐसा हमने पोकेमोन एनिमे के अंदर देखा भी है। तो यार देखा जाए तो 10 साल में यार एक बच्चा इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है कि वो खुद के ओन पर रह पाए, मतलब कि एक पूरा एडवेंचर कर पाए खुद से, बल्कि यार पोकेमोन के अंदर तो 10 साल के बच्चों को भी पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए भेजा जाता है जबकि वहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस विलन्स भी है जैसे कि जियोवानी। नंबर 16, तो आपको ये फैक्ट तो काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि ऐश की एज नहीं बढ़ती है, मतलब कि ऐश अभी भी 10 साल का है बट कैंटो रीजन के एपिसोड में ऐश अपने एंड पिकाचू की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है, मतलब कि वो इंग्लिश डब में खुद बोलता है कि हमें मिले हुए एक साल हो गया, तो अगर ऐसा है तो यार ऐश की एज भी बढ़नी चाहिए थी। नंबर 17, तो ऐश के जर्नी पे उसके काफी सारे कंपेनियंस भी जुड़े थे जैसे कि ब्रॉक एंड साइलेंट जो कि उसकी हेल्प किया करते थे, कभी कभार खाना भी पकाया करते थे, और वो लोग कभी भी बीच रास्ते में अगर भूख लगी या फिर टाइम मिला तो यार खाना पकाने लग जाते थे, एक बहुत बड़ा टेबल लेके एंड उसके ऊपर खाने का पूरा सामान होता था। बट यहाँ पे मुझे लॉजिकल थिंग ये लगी कि इनके पास टेबल वगैरह आते कहाँ से है, मतलब कि उनके पास इतना छोटा बैग होता है तो क्या उसके अंदर ये लोग इतना बड़ा बड़ा टेबल लेके घूमते हैं। नंबर 18, तो कैंटो रीजन के एपिसोड में ऐश वर्सेस ब्लेन की बैटल होती है जहाँ पे पिकाचू एंड रायडोन की बैटल हो रही होती है, और इस बैटल के अंदर ऐश का पिकाचू इलेक्ट्रिक टाइप अटैक का इस्तेमाल करके रायडोन को डैमेज देता है उसके हॉर्न पे एम करके, बल्कि रायडोन एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है, उसकी एबिलिटी भी ऐसी कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स अफेक्ट ही नहीं होने चाहिए। नंबर 19, तो हमें पोकेमोन एनिमे के अंदर दिखाया गया कि हर एक नर्स जो है सेम होती है एंड हर एक ऑफिसर जेनी सेम होती है, एंड ये लोग बताते हैं कि ये सारे के सारे जुड़वा बहन है या फिर कजिन से, बट इतने सारे जुड़वा बहन या फिर कजिन कैसे हो सकते हैं एंड वो भी इतना सेम कैसे दिख सकते हैं, एंड चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, बट पोकेमोन एनिमे के एपिसोड के अंदर जहां तक मुझे याद है एक छोटी नर्स जो भी देखने को मिलती है। और नंबर 20, तो पोकेमोन एनिमे की एक बहुत बड़ी लॉजिकल थिंग है कि ऐश अपने ओल्ड पोकेमोन का इस्तेमाल नहीं करता है एंड उसके पास इतने वीक पोकेमोन होते हैं उस रीजन में, बल्कि प्रोफेसर ओक के लैब में इतने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन पड़े हुए होते हैं बट फिर भी वो उनका यूज नहीं करता एंड पूरा टूर्नामेंट हार जाता है। वेल तो गाइस ये थे पोकेमोन एनिमे के 20 और इलॉजिकल मूवमेंट। तो हाँ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे करके जरूर दबाना एंड मिलूंगा ऐसे और सम कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।